इस वक्त ही बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें मुंबई लोकल ट्रेन की यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कंटेंट ऑन डिमांड के तहत सेंट्रल रेलवे और एक निजी कंपनी वाईफाई मोबाइल ऐप मुहैया कराएगी। इसे वाईफाई के जरिए ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसमें कई तरह के मनोरंजन उपलब्ध होंगे। मध्य रेलवे ने कहा कि इस वाईफाई का उपयोग यात्री सीमित रूप से यात्रा में कर सकते हैं। मैं इस वक्त मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर रेलवे पीआरओ द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम है शुगर बॉक्स। शुगर बॉक्स एक ऐसा ऐप है जिसमें आप मूवीज एंजॉय कर सकते हो, शोज देख सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। इस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा ऐप है जो रेलवे ने चालू किया है, सिर्फ सेंट्रल रेलवे ने चालू किया। ये ऐप अभी तक 10 नई ट्रेनों में है। इस ऐप को बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और उसको अपने नंबर से कनेक्ट करना। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है और उसमें जाके आपको अपने शोज और एंजॉय। इस ऐप को चलाने के लिए आपको विदाउट इंटरनेट भी आप ये ऐप देख सकते हो, मूवीज कोई भी आप एंजॉय कर सकते हो। रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है शुगर फ्री नेटवर्क्स कंपनी को। और ये कंपनी जो हमारी लोकल ट्रेन्स हैं इनमें कंटेंट ऑन डिमांड प्रोवाइड करेंगी। तो इसके लिए जो लोकल ट्रेन्स हैं उनके रेक्स में ये इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से फ्लाइट में कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा उपलब्ध होती है, उसी तरह से ये जो लोकल हमारी ट्रेन्स जिनमें ये इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाएंगे उसमें वाईफाई के जरिए कंटेंट ऑन डिमांड उपलब्ध रहेगा। इसके लिए जो कम्यूटर हैं उनको एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, शुगर फ्री का ऐप, जो कि एंड्रॉयड या ऐप स्टोर से भी लिया जा सकता है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। और उसको इंस्टॉल करने के बाद में वो उसमें अपना लॉगिन करके और विच इज़ ए फ्री लॉगिन जस्ट बाय द मोबाइल नंबर, देन दे कैन वो उसके बाद में इसका जो कंटेंट है वो देख सकेंगे। इसमें जो कंटेंट है वो मनोरंजन के लिए मूवीज़ और इसके अलावा शॉपिंग, और आगे इनका प्लान है कि एजुकेशन का भी मटेरियल उसमें उपलब्ध कराएंगे। तो जो हमारे कम्यूटर्स हैं जिनको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने में लंबे समय तक ट्रेन में रहते हैं, उनको अपना समय का सदुपयोग करने के लिए और मनोरंजन के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ रेलवे को इसके जरिए रेवेन्यू मिल रहा है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है इसके तहत ये प्रतिवर्ष 1.5-1.5 करोड़ के लगभग राशि रेलवे को देंगे। और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 साल पूरा होने के बाद में इसकी राशि को ये 10% प्रतिवर्ष बढ़ाएंगे। भी टोटल 165 रेक्स में इसको इंस्टॉल करने का प्लानिंग है। अभी जो शुरुआत ये कर रहे हैं अभी इन्होंने 10 रेक में इसको इंस्टॉल किया है और धीरे धीरे ये इसको आगे और भी रेक्स में बढ़ाएंगे। यात्रियों को सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होगा, लॉगिन करने पे मोबाइल नंबर पूछेंगे ऐप से, मोबाइल नंबर डालने पे वो ओटीपी भेजेंगे और वो ओटीपी डालने पे वो रजिस्टर हो जाएगा। हमने 10 रेक्स में इसको इंस्टॉल कर दिया है तो वो 10 रेक से जितनी सर्विसेज चलेंगी उसमें सब में ये उपलब्ध रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो टोटल 165 रेक का है। तो ये 10 रेक में लगाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई आएगी ये और भी रेक्स में इसको प्रोवाइड करेंगे। ये टेक्नोलॉजी को हाइपरलोकल एज क्लाउड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो बेसिकली जो क्लाउड है हम क्या करते हैं, वो क्लाउड को छोटे पीसेस में फ्रैगमेंट करते हैं और वो छोटा फ्रैगमेंट हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लिटरली हम जो ट्रेन में इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्लाउड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा मिनिएचराइज्ड फॉर्म है अगर बोलने जाए तो। अभी क्या होता है, सारा जो अपना डिजिटल ऐप्स है वो आज के दिन में क्लाउड यूज़ करके चलता है। तो द सेम डिजिटल ऐप्स हम ये क्लाउड का फ्रैगमेंट यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क पैची है, नेटवर्क चला भी जाता है तो भी आपके ऐप सीमलेसली चल सकते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी है। हम ये ट्रेन के अंदर करंटली मूवी स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और शॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर आगे चल के हम और भी ऐप सपोर्ट करते रहेंगे ताकि यूज़र्स को और बेनिफिट्स। एब्सोल्युटली हम हर एक कोच में लगाते हैं, तो हर एक कोच के अंदर हम इस चीज़ के लिए लगाते हैं ताकि कोच के अंदर आपको पूरा सीमलेस नेटवर्क मिल जाए। सो ऐसे नहीं होता, हमको हर ट्रेन के अंदर लगाना पड़ता है। सो अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 165 ट्रेन्स है या 165 रेक है जैसे सेंट्रल रेलवे बोलता है, उसमें से हमने 10 रेक के अंदर ऑलरेडी लगा चुके हैं। और ये पूरे साल में जैसे ही हमारे पास इक्विपमेंट आते रहेगा हम बाकी 155 में भी लगा देंगे। नहीं, अभी के लिए सिर्फ लोकल में है, हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी आगे एक्सपैंड करें। थैंक। मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो सिटी समाचार, मुंबई।